नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के बदनावर से भाजपा के वरिष्ठ नेता राज्य मंत्री रह चुके राजेश अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पिछली बार उपचुनाव में पार्टी ने एक वोट में दो कैबिनेट मंत्री बनाने की घोषणा मंच से की थी। बदनावर की जनता को एक वोट में दो कैबिनेट मंत्री देंगे, चुनाव के ठीक बाद में कैबिनेट मंत्री बनाने का वादा किया था, दो कैबिनेट मंत्री मिलेंगे, उस बात पर हमने भाजपा को मतों से विजयश्री दिलवाई, कैबिनेट मंत्री का वादा किया था लेकिन एक वर्ष के बाद सिर्फ राज्य मंत्री बनाया, जिस विभाग की बात की थी वह भी नहीं दिया, वह वादा पूरा नहीं किया। 2018 में चुनाव में जनता ने भारी मतदान करके लगभग 31,000 मत दिए थे। वही अग्रवाल ने 30 अक्टूबर को फॉर्म भरने की बात भी कही है। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। आगामी 30 तारीख को फॉर्म भरने का मानस कार्यकर्ताओं ने बनाया है। पिछली बार सार्वजनिक तौर पर उपचुनाव में पार्टी ने एक वोट में दो कैबिनेट मंत्री मिलेंगे और चुनाव के ठीक बाद में आपको हम कैबिनेट मंत्री बना देंगे, किंतु कैबिनेट करीब क्यों बंद कर दो दो कैबिनेट मंत्री बदनावर को मिलेंगे, दो दो सेवा करने के लिए व्यक्ति मिलेंगे, इस भाव से हमें चुनाव में भारी मतों से विजयश्री दिलाई। हमें कैबिनेट की जगह राज्य मंत्री बनाया गया है और एक वर्ष के बाद बनाया गया। जिस विभाग की बात करी थी, जो किया था वो पूरा नहीं किया। मुझे चुनाव में जनता ने भारी मतदान करके 31,000 से अधिक वोट मुझे उस टाइम पे दिए। अब वो सब लोग जिन्होंने मुझे 2018 के चुनाव में इतना भारी जन समर्थन, उन लोगों का आग्रह है कि आप चुनाव लड़िए, हम सब आपके साथ हैं। आज उसी क्रम में मैंने फॉर्म दिया है और चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। अभी 4-5 दिन में मैं क्षेत्र में और गांव-गांव जाकर लोगों का ओपिनियन लेकर आगे हम बढ़ेंगे। मेरे क्षेत्र की जनता मेरे लिए भगवान है, मेरी जनता ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया पूरे जीवन, मैंने भी उनकी ईमानदारी से सेवा कर दी। मेरा जो भी निर्णय होता है वो बदनावर विधानसभा क्षेत्र की जनता करती है। मुझे आगे किस दिशा में जाना है ये बदनावर विधानसभा की जनता तय करेगी। कांग्रेस पार्टी मुझे उपचुनाव में भी टिकट दे दी थी लेकिन मैंने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया और पुनः अपनी मात्र पार्टी में आकर मैंने पार्टी के आदेश को माना। अभी वर्तमान समय में भी करीब 3 माह पहले से मुझे मेरे पास कमलनाथ जी का फोन आया, कमलनाथ जी के लोग आके मिले मुझसे कि आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ो, किंतु मैं अपनी विचारधारा से कई समझौता नहीं करते हुए, मुझे आशा थी कि मेरी पार्टी मुझे जनता के मतानुसार, जनता की इच्छा के अनुसार मेरी पार्टी मुझे विधानसभा में टिकट देगी, लेकिन टिकट नहीं देने से कहीं ना कहीं जनता में रोष है और मैं जनता का सेवक हूँ। मैंने जीवन भर निर्णय जो भी किए जनता के कहने पे किए और आगे भी जो जनता चाहेगी वैसा ही मैं काम करूँगा। अभी तक तो यही है। अभी मैं आपको बताया ना, मैं क्षेत्र में घूमूंगा और भी क्यों, सारे लोगों से भी संपर्क नहीं हुआ मेरा, है ना, सारे लोगों से संपर्क करना पड़ेगा। तो आप से अधिक मतदाता है हमारे और मेरा राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक निर्णय सब कुछ मेरे क्षेत्र की जनता पे निर्भर रहता है। मेरे क्षेत्र की जनता मेरे लिए भगवान है, मैं उनका सेवक हूँ
जैसा जनता चाहती उस वक्त मैं जाता हूँ और आगे भी वही करूंगा जो मेरे क्षेत्र की जनता चाहती है। जैसा कि वादा किया गया था कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, 3 वर्ष बाद आपको 2 वर्ष बाद बनाया गया, तो आपने राज्यमंत्री का पद फिर लिया क्यों आपने? सुना पार्टी ने ऐसा बताया कि भाई ये हम लोगों ने तो चाहा था कि आपको कैबिनेट जो बात हुई है वही पूरा करे, लेकिन चूंकि हम एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं इसलिए पार्टी ने जब हमसे आग्रह किया कि अभी आप राज्य मंत्री का पद ले लें, बाद में आपको कैबिनेट बना देंगे, तो मैंने राज्य मंत्री का पद स्वीकार किया। जनता को अवगत कर दिया, जनता के कहने से चलता हूं मैं। बाद में फिर पार्टी के मुखिया आलाकमान भी आएंगे तो फिर उनके भी काम कहना तो सुनना पड़ेगा, उनकी बात तो माननी पड़ेगी, जैसा कि पूर्व में अभी आपने मानी है बात। भाई ये मेरी जनता बात करेगी, जनता निर्णय लेगी। मैंने आपको पहले बताया कि मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, मेरे साथ क्षेत्र की जनता जैसा चाहेगी उधर राज्यसभा हो जाएगी। शीर्ष ने कहा था पार्टी ने कि आपको हम अगली बार जो है, अभी एक ही बार की बात है, ये कमिटमेंट हुआ था। आपको 1.5 वर्ष का कार्यकाल मिला था, अच्छा कार्यकाल आपको दिया, तो आपने अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनी जनता के लिए क्षेत्र में 1.5 वर्ष में क्या क्या किया आपने? मेरा विभाग सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन रहा, मैंने विभाग में काफी काम किए, विभाग में बैठकर जो CDS जो गरीब लोगों को अनाज उपलब्ध होता है वो हमारे विभाग के द्वारा दिया जाता है। हमने अच्छे से अच्छी क्वालिटी का गेहूँ चावल जनता को मिले, आम गरीब लोगों को सबका शोषण नहीं हो उस बात पे ध्यान देते हुए हमने फोर्टिफाइड राइस हमने जनता को दिया है, प्रोटीन युक्त चावल हमने दिया है, अच्छी क्वालिटी का दिया है, जो पूर्व में आप देखते थे कि हल्की क्वालिटी का आता था, लेकिन हमने बैठने के बाद इस पे शक्ति करी के अच्छी क्वालिटी का ही माल हम गरीबों को दें।